नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार सिंह। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी, चारों खाने चित होना। यह कहावत कोल इंडिया में मान्यता प्राप्त पांचों केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में सबसे मजबूत और अपने को सबसे सशक्त कहने वाले इंटक के साथ हुई है। कोल इंडिया में कार्यरत मजदूरों के वेतन सहित अन्य समझौते या वेतन सहित अन्य सुविधाओं के लिए जो समझौते किए जाते हैं, उसके लिए JBCCI का गठन किया जाता है। एक से लेकर नौवें तक, यानी नौवीं बैठक तक JBCCI में इंटक का स्थान बेहतर रहा, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे इनकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि आज की तारीख में उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए, या यूं कहें कि JBCCI की बैठक में शामिल होने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। इसी स्थिति का जायजा लेने के लिए जब हमने कई नेताओं से बात किया, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, विपक्ष वाले का भी यह कहना था कि नहीं, इंटक को JBCCI में शामिल होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उसका प्रतिनिधित्व और प्रजातांत्रिक तरीके से अगर हम बात करें तो कोल इंडिया में जो संगठन है वो तो प्रजातांत्रिक तरीके से उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। कोल इंडिया में इंटक को चार मुख्य और चार वैकल्पिक सीटें दी गई है, आज भी वह खाली है। कोयला मंत्रालय के अनुमति से JBCCI गठन के लिए कोल इंडिया ने अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में स्पष्ट कह दिया गया कि इसमें BMS के प्रतिनिधि हैं, HMS के हैं, C2 के हैं, ATAC के हैं, लेकिन इंटक का कहीं नाम नहीं। स्पष्ट है कि इंटक को इसमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि पूर्व में भी और आज भी इंटक के एक धड़े के नेता डॉक्टर संजीवा रेड्डी का यह दावा है कि उन्हें अंततः JBCCI को लेकर दूसरी अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी जिसमें इंटक शामिल होगा। अब इंटक शामिल होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन आज शनिवार को इंटक संजीवा रेड्डी जी का प्रतिनिधिमंडल कलकत्ता में बैठा हुआ है और वकीलों से सलाह मशवरा कर रहा है प्रतिनिधिमंडल कि आखिर हम कोल इंडिया और भारत सरकार के खिलाफ कैसे मामला दर्ज कराएंगे। चूंकि पूर्व में संजीवा रेड्डी ने कहा है कि अगर उन्हें JBCCI में जगह नहीं मिली तो निश्चित तौर पे वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। पहले तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं अगर मामला बना तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और उसके बाद भी अगर उन्हें अधिकार नहीं मिला तो वो आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार करेंगे। लेकिन तब तक इंटक के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। जो पॉलिसी चल रही है, जो स्थितियां चल रही है, उसमें निश्चित तौर पर JBCCI की बैठक भी हो जाएगी। पूर्व की तरह 10वीं वेज बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें इंटक नहीं थे, इंटक का प्रतिनिधित्व नहीं था, उसके बाद भी समझौता हुआ और इस बार भी वही होने की स्थिति बन रही है। यहां कमिटी का गठन कर दिया गया, बहुत जल्द ही JBCCI के बैठक की तिथि तय कर दी जाएगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 15 के पहले, माने इसी महीने में 15 तारीख के पहले
वह बैठक भी हो जाएगी। अगर बैठक हो गई तो ऐसी स्थिति में इंटक शामिल होगा, इस पे बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाएगा। अब इंटक के नेता यह कह रहे हैं कि भारत सरकार यानी भाजपा की सरकार नहीं चाहती कि इंटक JBCCI में शामिल हो। क्यों नहीं चाहती? इसलिए कि इंटक कांग्रेस का बड़ा घर है और कांग्रेस को नेस्तानबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी एड़ी चोटी किए हुए हैं, और यही वजह है कि जब से उनकी सरकार आई है तब से उन्हें JBCCI में स्थान नहीं मिल रहा है। 10 में की वही स्थिति रही, 11 में भी वही स्थिति है। यह पॉलिटिकल रिवेंज नाम दे रहे हैं इंटक के लोग कि यह पॉलिटिकल रिवेंज के कारण यह स्थिति हुई कि हमें बाहर रहना पड़ रहा है JBCCI के बैठक से। लेकिन यह उन्हें सोचना होगा कि आखिर आधार क्या बनाया गया, आपके घर की बात, आपके आपसी विवाद का कारण, आप असली नकली का मामला लेकर के कोर्ट में चले गए, तो गलती आपकी भी तो है। क्यों नहीं, जो भी आपके विरोधी हैं, क्यों नहीं मिल बैठ करके उस मामले को सुलटा लिया जाता है? अगर उस मामले को सुलटा लिया गया, कोई भी बात नहीं, कोई आधार नहीं बनेगा कि आपको JBCCI में शामिल नहीं होना थे, लेकिन ये आप लोग कर नहीं रहे। आज भी एक गुट का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में वकीलों से सलाह ले रहा है, तो एक गुट घर में आराम फरमा रहा है। नाम बताएं, ददई दुबे, चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे दूसरे धड़े के नेता हैं, लेकिन वो घर में आराम फरमा रहे हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि मजदूरों की स्थिति क्या होगी, मजदूर के लिए कौन लड़ेगा, जो उनके नेता हैं, जिसके वो नेता हैं, जो जितने लोग उनके सदस्य हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, क्यों नहीं इंटक कमजोर होगा? आपका प्रतिनिधि तो मंडल में शामिल तो आप है नहीं, आपको कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं है। अबल तो यह है कि ददई दुबे जी के पास अगर बात करनी हो तो या तो फिजिकली जाइए, अगर मोबाइल से बात करेंगे तो उनके पास मोबाइल रहता नहीं है, एक उनके सहयोगी हैं या उनका असिस्टेंट कह लीजिए, उनके पास मोबाइल रहता है और वो जब चाहेगा बात कराएगा, जब चाहेगा बात नहीं कराएगा। मजदूर के नेता मजदूरों की बात सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज जब ददई दुबे जी से बात करने का प्रयास किया गया तो उनके असिस्टेंट ने कहा कि अभी बाबा आराम फरमा रहे हैं, अभी वो बात नहीं करेंगे। अच्छी बात है, संगठन आपका, नेता आप हैं, नेतागिरी आपको करनी है और मजदूर लोग भी आपके। कारण चाहे जो भी हो, इंटक की स्थिति अगर यही रही नेताओं की, अगर आपस में मिले जुले नहीं, आपस में मिलकर एक होकर नहीं लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इंटक की स्थिति इससे भी और बदतर हो जाएगी। क्यों होगी? मजदूर आपके साथ कैसे रहेगा? मजदूरों का काम तब करा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे? कि अधिकारी आपकी बात सुनेगा नहीं, आप मान्यता प्राप्त है नहीं, भले आप दावा करते रहें कि हम 50% से ऊपर हमारे जो भी कामगार हैं, सदस्य हैं, उनको लेकर के आप क्या करेंगे, कितना आंदोलन करेंगे? आप आंदोलन की बात कर रहे हैं लोग, इधर HMS दावा करता है कि सबसे मजबूत स्थिति में हमें 65% का सदस्यता उसके पास है मजदूरों का, ये उनका दावा है। आप कहते हैं कि 50+ मेरा मेंबर्स है, तो क्या HMS, C2, ATAC ये सब कहां गए? इनके मेंबर्स कहां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मजदूरों के सदस्यता के नाम पर अलग खेल चल रहा हो कोल इंडिया में? हम लोग इस बारे में भी डिस्कस करेंगे, इस बारे में भी अध्ययन करेंगे। हम बताएंगे आपको कि ट्रेड यूनियन में सदस्यता के नाम पर कैसा खेल होता है।
तो इसी संदर्भ में हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे जिसमें संजीवा रेड्डी जी ने दावा किया है कि अगर उन्हें नहीं जब इस सीसीआई में शामिल किया गया तो निश्चित तौर पे वे कोर्ट में जाएंगे, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, और उसके बाद भी अगर नहीं सुनी गई तो आंदोलन भी करेंगे। पॉलिटिकल रिवेंज का जैसे कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, बोलते उनको बताएं हम लोग जी। और नहीं बोलता कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हम लोगों को कोई गलती तो समझाया कि क्या गलती है, क्या किए हम लोग, कुछ नहीं है ना, कोई 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 बात नहीं है। तो पिछली दफा कोर्ट में बात किया तो ये लोग अपॉइंट किए, पहले पहले तो वो यही खुद अपॉइंट किए पिछले पीछे जेबीसीसीए में, तो हाईकोर्ट में चल रहा था उसमें जेबीसीसीए एग्रीमेंट हो गया, तो उन्होंने हाईकोर्ट बोला भाई आप क्या बात करना जब एग्रीमेंट हो गया, बोलते पहले मगर वो उसको कोई गलत बात नहीं बोले तो उसको तो मान लिया जो आए जिसको अपॉइंट किए, तो कोर्ट जब मान लिया है तो इस साल में क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं डाल रहे, कोई रीजन होना ना, कोई बात होना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं रहेगा जब सीसीआई में तो इंटर की तो फजीता निकलेगी। तो हम लोग करेंगे, हम तो जो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और कोई एजिटेशन भी करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ जाएंगे, कोल इंडिया के खिलाफ जाएंगे कि कोल इंडिया और गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ जाएंगे? तो दोनों खिलाफ जाएंगे, इसकी तैयारी चल रही है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।